हेलो जी नमस्कार। आज हमारे पास पेशेंट है जिसको लोअर बैक में पेन है, अपर बैक में पेन है और हल्का हल्का मिडिल बैक में पेन है और ये पेन है सफर की वजह से, लंबा सफर करने की वजह से इनको पूरी स्पाइन में पेन है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले इनको डायग्नोज करते हैं कि कहीं पर कोई स्वेलिंग तो नहीं आई हुई है, क्योंकि स्टीटिंग होने की वजह से कई बार होता क्या है, लंबर रीजन में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग तो नहीं है लेकिन स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बॉडी की। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा सांस लेके धीरे से छोड़ दीजिए। अपर एरिया भी बहुत ही ज्यादा स्टीफ है स्कैपुला के आसपास। एक बार करवट लीजिए, एक साइड थोड़ा और लग गया, ये दोनों आप होल्ड लीजिए। दूसरी साइड नीचे लगाइए, अभी पूरी स्पाइन की हम करने वाले हैं कपिंग, जो कि ड्राई कपिंग है, मसल्स को रिलीज करेगी, स्टिफनेस को कम करेगी। कई बार क्या होता है लोअर बैक में स्टिफनेस होने की वजह से पाँव में भी दर्द शुरू हो जाता है, तो पाँव में तो इतना नहीं दर्द इनको,
इनको देते हैं थोड़ा सा स्टिमुलेशन जिससे मसल्स रिलीज हो जाएं। अभी स्टेमुलेशन देने के बाद अभी करने वाले हैं फायर कपिंग। फायर कपिंग करने से पहले हम करेंगे ऑयल अप्लाई, और ये ऑयल हमारा खुद का बनाया हुआ है जिसकी वीडियो आप हेलो उपचार पर जाकर देख सकते हो। ऑयल को अच्छे से अप्लाई करना है इस प्रकार से। काफी वैद्य लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। अभी कर रहे हैं फायर कपिंग, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अगर कोई इस वीडियो को देख करके घर पर फायर कपिंग करने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लाभ की जगह हानि हो सकती है। तो वीडियो को देखकर घर पर ट्राई ना करें कोई भी। देखने में बिल्कुल इजी लगता है लेकिन इसके पीछे अभ्यास बहुत ज्यादा होता है। एक छोटी सी गलती स्किन को जला सकती है, कांच टूट जाए तो कांच बॉडी में चुभ सकता है।
अभी काफी लोग देख रहे होंगे स्किन पर ये मार्क्स है ना कपिंग के, तो कुछ लोग थेरेपी करवाने से डरते हैं कि ये मार्क्स हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दो तीन दिन में रिमूव हो जाएंगे। ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी होती है ना लाल रक्त कण, उनकी जो सक्रिय की सीमा होती है वो 120 दिन होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डेड हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। तो डेड होने के बाद हमारी स्किन में जमा हो जाते हैं, स्किन को स्टिफ कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो वहां पर हमें खिंचाव, जकड़न, क्रैम्प आना, ये कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इजामा होता है, वेट कपिंग, उसमें बेटर रहता है, सारी डिटॉक्स निकल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो ये मार्क्स है ना दो तीन दिन में ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं इसमें। अभी हल्के हाथों से मसाज करनी है इस प्रकार से, और मसाज का भी अलग अलग तरीका होता है। मसाज हल्के हाथों से हार्ट की तरफ करनी होती है, ऊपर की तरफ, और यहां से लोअर बैक से S1 से फिर नीचे की तरफ कुंडली की तरफ, क्योंकि यहां से जो सर्कुलेशन होता है ना मेंस का पाम की तरफ होता है, और वरना ऊपर नॉर्मल जो मसाज होती है वो हार्ट की तरफ होती है इस प्रकार से। अभी देखिए जितना भी हमने ऑयल लगाया था ना वो हाथों की मसाज के द्वारा, सिकाई के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक जो मसाजर होते हैं उनके द्वारा चमड़ी के अंदर भेज दिया है, चमड़ी ऑटोमेटिक तेल को सोख लेगी और जो मसल्स है ना बिल्कुल ऑटोमेटिक नरम हो जाएगी। तो मसाज का यही फायदा होता है,
एक तो हमारी स्किन सॉफ्ट रहेगी, मांसपेशियां नरम रहेगी, खिंचाव नहीं आएगा, क्रैम्प नहीं आएगा, और किसी प्रकार हम मूवमेंट करेंगे तो हमें दर्द भी नहीं महसूस होगा। ये देखिए बहुत ही कम ऑयल लगा है नेक पर, क्योंकि सारा ऑयल है वो हमने मसाज के द्वारा स्किन में पहुंचा दिया है। अभी धीरे धीरे पहले स्किन के अंदर जाएगा, दो तीन लेयर को क्रॉस करेगा, उसके बाद मांसपेशियों में जाएगा, नसों के अंदर जाएगा, हड्डियों तक पहुंचेगा, हड्डियों तक मजबूती देगा। भाई तो साथियों ये था फुल स्पैन का ट्रीटमेंट, जिसमें हमने वैक्यूम भी किया, कपिंग थेरेपी किया और साथ में मसाज भी की और भी कुछ काफी इंस्ट्रूमेंट हमने ऊपर लगाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।